हम कहाँ जा रहे हो मामा? कहाँ जा रहे हो हम? हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे। और हम आज कहाँ जा रहे हैं? बाबा हाउस। अच्छा हम जा रहे हो गुरुद्वारे। तो हस अभी हम बच चुके हैं सर, तो हम जा रहे हैं अभी। चलो फिर बाय कर दे। तो शाम के टाइम खूबसूरत से नज़ारा देखते हुए ये देखिए कितनी सारी भीड़ है और ऐसे रोड से जा रही है और ये देखिए कितनी अच्छी है। तो अभी शाम के टाइम है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। गुरुद्वारे में आती हूँ तो बहुत ही मन शांति मिलती है। और ये देखिए चलो मैं हर बार ही दिखाती हूँ, तो फिर भी मैं बाबा जी को आप लोगों को दर्शन कराती हूँ हर बार। तो फिर चलो हम दिखाती हूँ और बैक साइड में। तो हम जा रहे हैं अभी सरोवर के साइड में, तो हम दर्शन सरोवर में जो परिक्रमा करके ये सरोवर आप लोगों को दर्शन करवा दिया है। ये देखिए तो कोशिश करूँगी मैं वैसे हर संडे को हम जब गुरुद्वारे आती हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ बाबा जी के। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा माहौल हो जाते हैं यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा शांति से हो जाती है, मन बहुत ही अच्छा लग जाती है। और ये देखिए इतनी सारी मछलियाँ, खुशी तो बहुत ही खुश हो जाती है मछली देख के। देखिए चल चलो चलो चलो, वो कुछ मछलियाँ आगे, मछलियाँ वो तो मछलियाँ, वो कितनी मछलियाँ आगे, मछलियाँ मछलियाँ तो ये गुरुद्वारे के फ्रंट साइड जहाँ गेट है मेन गेट, वहाँ के फ्रंट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा मेला लगा होती है हर बार। तो यहाँ पे हर सामान मिलता है, जैसे कि कड़ा वगैरह सब कुछ है और खिलौना बच्चे की। तो ये खुशी खिलौना लेने के लिए आ गई थी और मैं भी बस एक सामान ऐसे देख रही थी। A few moments later. तो
मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल में। तो मॉर्निंग से आई थी, तो 9:30 बजे आएगी डॉक्टर। तो हम आए थे हॉस्पिटल 8:30 बजे, तो अभी वेट कर रही हूँ। और खुशी को भी लेके आना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं था। मम्मी को भी, मम्मी जी भी आई हुई है हॉस्पिटल, तो वो इमरजेंसी में निकाल रहे हैं, कुछ तबीयत ठीक ही नहीं है, तो उसकी वजह से। और मैं इधर अकेले वेट कर रही हूँ और खुशी दिखती नहीं उसके पापा भी। तबीयत बहुत ही ख़राब थी कल से। कल तो बुखार थी और बहुत पेन चल थोड़ी से, तो फिर आज गोली लिया था, कल ठीक हो गई से। फिर और सवेरे चल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ था, तो बुखार के फिर से गोली लग गई थी, तो उसकी वजह से हम सवेरे गए थे हॉस्पिटल 8:30 बजे। तो खुशी जल्दी जल्दी मैं खुशी को भी ले गई क्योंकि यहाँ पे रखने के लिए भी कोई नहीं है, तो इस वजह से ले गई। और हम गए थे वैसे इमरजेंसी गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर भी बहुत अच्छी है, तो हम सोचा क्यों ना हम दिखा लो 1 घंटा, मतलब 9:30 बजे आती है, तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, तो लेडीज़ है, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि वही डॉक्टर में मैं दिखाऊंगी। तो हम वेट करती रही 9:30 बजे तक, तो डॉक्टर ने बोला शायद पथरी होगा, तो उसकी वजह से अल्ट्रासाउंड में लिख दिया था अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो हम खुशी को घर में सोने के लिए आ गई और सो गई थी खुशी आने के बाद। सुबह के हम गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत टाइम लगी थी, और आके हम फिर से दिखाया अल्ट्रासाउंड, तो सब कुछ नॉर्मल थी। जो बोला था पथरी की प्रॉब्लम है, तो वो हुआ नहीं था, पथरी तो नहीं था, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ऐसे हो रही थी, मेरा प्रॉब्लम हो रही थी, पेट दर्द हो रही थी। तो मैम ने अच्छी तरह से समझा दिया है, गोली भी दिए हैं, तो सारी मतलब सारी 1:30 में हम घर पहुंच गई थी, और कुछ भी उस टाइम पर उठ गई थी और आके गोली लिया थोड़ी सी, सुबह से कुछ खा के नहीं गई थी, तो आके गोली बहुत खा लिया। फिर बेबी बहुत डर था उस टाइम, तो थोड़ी सी बस खा लिया, फिर गोली लेके लेट गई थी। तो 2-3 घंटे बाद फिलहाल अभी ठीक लग रही है, तबीयत अभी ठीक है, तो अब बेहतर है, गोली लिया है और 10 दिन के बाद चेकअप है। अच्छी है बहुत डॉक्टर यहाँ पे, तो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी है, एक्सपीरियंस है बहुत, पहले से यहाँ पे कर चुके हैं, तो ठीक हो गई थी। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले उठ के मैं नहाई, कपड़े भी बहुत सारे पड़े थे 2 दिनों से, खुशी थी मेरी, तो थोड़े बहुत कपड़े भी धो लिया। फिलहाल अभी ठीक हूँ, थोड़ी बहुत कमज़ोरी है। मेरे वीडियो पे प्लीज़ वॉच करना, 500 होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना जो नहीं देख रही हो, और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो मेरे सपोर्ट में है, जो मेरी फैमिली है, सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रही है, और ऐसे सपोर्ट देते रहना। तो अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ, ठीक है।